हेलो जी, क्या हाल है सबका। तो आज मेरे साथ हैं आर लाइक बेस्ट वर्जन मूवीज इज चुबो आर लाइक एंड यू आर वाचिंग व्यूम भाई का चैनल। तो भाई क्या सीन है आज का आज हम बात करते हैं जॉर्जियन और सेंटिनेल। सेंटिनेल के बारे में। देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है और कौन सा लाइक आपका बेटर रहेगा डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रोग्राम्स। या लाइक ओवरऑल बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं और क्या मेरे क्या कोर्स के डिफरेंस बारे में, फूड साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और भाई का जो है। फिटनेस वाला कोर्स है तो उसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो ब्रो, पहले मेरे को सबसे पहले ये बात बताओ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए हाँ स्कार्प्रो कैसी जगह है। देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्कार्बरो अच्छी जगह है मेरे को देखा जाए तो। बट एक अगर तुम वैसे आ रहे हो कि यार तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर चाहिए और बहुत ज्यादा तुम्हें मतलब डाइवर्सिटी चाहिए ना, तो आप अगर स्कार्बरो देखोगे तो स्कार्बरो में ज्यादातर कुछ कुछ कंट्री के लोग रहते हैं। बेसिकली स्कार्बरो जहाँ पे मैं रहता हूँ, बेसिकली यहाँ पे श्रीलंकन ज्यादा रहते हैं, एंड अगर आपको कैरेबियन के लोग ज्यादा मिलेंगे और अलग अलग बंदो एथनिसिटी के लोग नहीं मिलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कार्बरो में। और बाकी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं बिकॉज यहाँ पे सेंटिनियल है, कॉनकॉर्डिया है, और सेंटिनल के प्रोग्रेस और मॉर्निंग साइड कैंपस है, इसलिए आपको ज्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेंगे। और बेसिकली आपको श्रीलंका के लोग मिलेंगे तो यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स के लिए इनिशियली अगर आप आ रहे हो तो आप स्कार्बरो बेटर है एज कम्पेयर टू डिफरेंट सिटीज। जैसे कि आप मान लो ब्रैम्पटन हो गया मेरे हिसाब से, मतलब ब्रैम्पटन बढ़िया है अगर जो बंदा अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। जैसे कुछ बंदे होते हैं कहते हैं कि भाई हमें पंजाबी अपनापन के साथ चाहिए, रहना है अपनापन लोगों चाहिए के थोड़ा ना, साथ। इंडियंस जैसे पंजाबी होते हैं या फिर कोई भी होते हैं। तो बेसिकली जैसे ब्रैम्पटन में पंजाबी है तो आप स्कार्बरो में मार्कम साइड आओगे तो बेसिकली आपको गुजराती ज्यादा मिलेंगे, तो ऐसा सीन है भाई। ठीक है, सही है। ओके ब्रो, सो जॉर्जियन कॉलेज और ना सेंटिनियन कॉलेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि लाइक मेरे भी, क्योंकि मैं जॉर्जियन कॉलेज के रिलेटेड कंटेंट डाल रहा हूँ तो बहुत ही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इन दोनों कॉलेजेस में फर्क क्या है, तो हम ठीक उसके है। बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहली चीज ब्रो क्या लगा सेंटिनियन कॉलेज में, कि कैसा सिस्टम है, स्टडी का कैसा सिस्टम है। तो यार देखा जाए तो मेरा हाइब्रिड कोर्स था, उसके बाद मैंने एक सेमेस्टर तो ऑनलाइन पढ़ा था, उसके बाद सारे कोर्स मेरे ऑफलाइन हो गए थे, मतलब ऑनलाइन हो गए थे। बेसिकली एक ऑफलाइन पढ़ा था, बाकी सारे ऑनलाइन हो गए थे। तो उसमें क्या था, मैंने लैब्स तो हमारी मेरा फूड टेक था तो मेरे को उसका पता है कि हमने लैब करी थी। तो बेसिकली लैब्स अच्छी है हमारी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो ना वही जो लैब में मैंने पढ़ा ना, उससे मेरे वही मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे, तो वो मेरा काफी हेल्पफुल था। और पढ़ाई यार मेरे को लगता है सेंटिनल की एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज, जैसे मैंने सुना है सेंटिनल में थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, प्लस थोड़ा सा टफ है क्योंकि असाइनमेंट होता है हमारा 4-5 दिन कॉलेज होता है और बाकी सारे कॉलेजेस 2 या 3 दिन होते हैं। जॉर्जियन कितने दिन होता है आपका? हमारा लाइक डिपेंड करता है हर एक कोर्स पे। कई हाँ प्रोग्राम्स में जैसे CSTN वगैरह हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इनमें 3 से 4 लाइक ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्लासेस होती हैं हफ्ते में पूरा। और उसके बाद हाँ, लाइक अगर हम कोर्स ले आओगे, असाइनमेंट्स की बात करें तो स्टाफ आई गेस टीचर्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है नहीं, ओके सो थोड़ा सिस्टम हमारे में चेंज ऐसा है। थोड़ा, हमारे में थोड़ा अलग सिस्टम, अलग अलग सीन पता है क्या है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो अच्छे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है, टीचर प्रोफेसर बहुत बढ़िया है। बट सीन क्या है कि जैसे मेरा जो कोर्स था उसमें ना हमें दो दो या तीन दिन तो हफ्ते में लैब जाना ही जाना होता था। तो हमारी 4 दिन तो क्लास होती थी मिनिमम, 3 से 4, और डिपेंड करता है कोर्स पे। या कोई कोर्स कोई पे मेरे दोस्त डिपेंड है जिनके करता है। 5 दिन क्लास थी, कोई कोई ऐसे दोस्त है जिनके 3 दिन क्लास होती थी, सो डिपेंड करता है। तो काफी ना बहुत बच्चे जैसे वॉलमार्ट या टिमहॉर्टन्स में काम करते हैं तो बेसिकली उनको ना 3 दिन जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी वो है। सात सात और 8 घंटे की, या सात सात और 7 घंटे की शिफ्ट देते हैं वॉलमार्ट और टिमहॉर्टन्स वाले। बाकी आप सिक्योरिटी करो तो 12-8 घंटे या 10-10 घंटे की शिफ्ट मिल जाएंगी, बट ठीक जो जो वो बंदे होते हैं ना उनके लिए दिक्कत होती है क्योंकि उनको अपनी शिफ्ट में मैनेज करनी होती है। तो कुछ कुछ बंदे जो स्टार्टिंग में जब मेरा ऑफलाइन था तो बेचारे शिफ्ट लगा के काम कर पढ़ाई करने आते थे, तो थोड़ा सा वो इनिशियली टफ पड़ जाता है। जैसे कि अब सब कुछ ऑफलाइन हो रहा है तो थोड़ा सा आगे दिक्कत आ सकती है लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा ना लीनियंसी थी थोड़ा बहुत। तो अब आई गेस सेंटिनल में प्लेजरिज्म का बहुत तगड़ा सीन है, अगर तुमने वो करा, चीटिंग वीटिंग करी किसी से या तुमने किसी के असाइनमेंट टेप के कॉपी कर दिया तो उसमें सीधा फेल हो, और $1500 का मतलब आपको फिर से रिपीट करना है, और आपको 2 या 3 बार आपको वो उन्होंने लेटर दे दिया किसी टीचर ने, या 2-3 बार आप पकड़े गए तो उसके बाद आपको प्रोविंस मूव करना पड़ेगा, और लिटरली या और फिर आपको वो करने आता। हमारे कॉलेज में ये सिस्टम है कि लाइक अगर पहली बार पकड़े गए प्लेजरिज्म तो आपके लाइक उस असाइनमेंट में 0, हाँ दूसरी बार पकड़े गए तो पूरे तो लाइक उस सब्जेक्ट में 0, तीसरी बार पकड़े गए तो फेल रेस्टिकेट। हाँ रेस्ट्रिक्ट, उसके बाद ऐसे आपको ही फिर कुछ। शायद इस मैंने जहां पे सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मेरे को इस पे कुछ बोलना मत, बट आई गेस आपको बस 3 या 3 बार आ जाता है तो उसके बाद आपको शायद इस प्रोविंस में तो नहीं मिलेगा कॉलेज शायद, क्योंकि वो एक वो लिख के दे देते हैं बहुत तुम्हें कि मुश्किल। आपने चीटिंग वीटिंग करी है तो शायद आपको प्रोविंस में नहीं मिलता, प्रोविंस मूव करना पड़ता है या फिर आपको शायद कुछ और मिले ना, ये मेरे हमारे टीचर ने बताया था। अब वो पता नहीं कितना सच था कितना झूठ था, शायद वो हमें ये चाह रहा था कि हम अच्छे से नहीं करें, अच्छे से चीटिंग चीटिंग ना पढ़ो। करें,
तो लाइक बेस लाइन यही आ जाती है कि यार प्लेजरिज्म के चक्रों में पड़ो ही मत, ठीक है हाँ, तो उससे बच के रहो. ओके, दूसरी बात हमारी ये आ जाती है कि कोई कोई ऐसे फेमस कोर्सेज हैं इस कॉलेज में जो ओके सो जैसे मैं ना जैसे प्रोग्रेस कैंपस में ना बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन सब पे आते हैं. प्रोग्रेस कैंपस वो है, मैंने मॉर्निंग साइड से पढ़ा है, तो हमारे में फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और नर्सिंग और फिजियोथेरेपी के शायद कोर्स हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं. ओके ओके ओके. तो मेरे हिसाब से सेंटिनल में जो दो कोर्स सबसे ज्यादा चलते हैं मॉर्निंग साइड में, वो बायोटेक और फूड टेक में सबसे ज्यादा बच्चे थे आई गेस. तो बायोटेक और फूड टेक सबसे ज्यादा बायोटेक में होते हैं. ओके ओके. हमारे इधर जॉर्जियन में ये कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग आ जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आ जाता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, फिटनेस एंड हेल्थ, और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिसर्च, डेटा रिसर्च एनालिस्ट आ जाता है. तो ऐसे ऐसे काफी आ जाते हैं. सबसे बहुत अच्छा एक जो है वो है ऑटोमोटिव बिजनेस, सो उसके लिए कॉलेज बहुत रेनाउंड है. तो हाँ ये चीज. और फिर उसके बाद अपना अब जैसे स्कार्ब्रो में है ना ये, तो इसमें पार्ट टाइम जॉब्स का स्कार्ब्रो में क्या सिस्टम है? देखो पार्ट टाइम आपके लिए बेसिकली स्कार्ब्रो से ये है कि कनेक्टिविटी थोड़ी सी डाउनटाउन के ना पास है थोड़ा सा, मतलब आपको एक दो सबवे चेंज करके आप जा सकते हो और डाउनटाउन में आपको जॉब्स मिल सकती हैं. वरना आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, मतलब जैसे यहाँ पे आपको पिज्जा स्टोर मिल जाएगा, टिम हॉर्टन्स और वॉलमार्ट है, वहाँ अप्लाई कर सकते हो, उबर ईट्स कर सकते हो, यहाँ पे नहीं डाउनटाउन जाके अच्छा पैसा बना सकते हो. सो वो सीन है. एंड बाकी पार्ट टाइम तो यार मिल ही जाती है, और इतनी इतनी बड़ी डील नहीं है पार्ट टाइम के लिए. मेरे हिसाब से सिक्योरिटी लाइसेंस ना, तो सिक्योरिटी की बहुत सारी जॉब्स हैं डाउनटाउन में, स्कार्ब्रो में, ब्रैम्पटन मिसिसागा में. और तो चिल है भाई, चिल है इसका. और बेरी में ये सिस्टम है कि बेरी में ना अभी उबर ईट्स उस पे साइकिल पे या वॉकिंग पे आया नहीं है. हाँ. तो उसका थोड़ा चक्कर होगा क्योंकि अब स्टार्टिंग में तो यार कार ले नहीं सकते, तो उसका थोड़ा देख के आना, ठीक है, वो नहीं होगा. लेकिन उसके अलावा वॉलमार्ट हो गया, हाँ, लाइक वो बाकी जगह तो सेम सिमिलरिटी आ जाती है. सिक्योरिटी भी वहाँ पे अच्छा, हाँ, सिक्योरिटी भी चलती है. अगर वहाँ पे भी सिक्योरिटी की थोड़ी कम अवेलेबिलिटी हो तो पता क्या कर सकते हो, तुम थोड़ा कम्यूट कर सकते हो. हाँ, स्मार्ट सब का लाइसेंस बहुत अच्छा है. जैसे हमारे यहाँ यहाँ पे पैटियो, जैसे समर टाइम होता है ना, पैटियो में अगर आप बारटेंडर लग गए या फिर आप फूड सर्वर लग गए तो अच्छी टिप्स मिलती हैं, और वो भी कैश टिप्स होती हैं, वो तुम्हारी होती हैं और वो इलीगल नहीं, वो लीगल है. तो ये सब चीजें बढ़िया जाती हैं. तो लाइक लिविंग कैसा है, लिविंग इधर बढ़िया लगता है? हाँ यार बढ़िया, यहाँ पे रेंट 400 जाती है तो 400-500 है. अगर आप प्राइवेट रूम में रहोगे तो डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से, अगर आपका स्टेशन वार्डन या कैनेडी के पास है तो वहाँ पे 500-600 या 700 का मिल जाएगा, 400 का मिल जाएगा लकी हुए तो. आप थोड़ा सा आप पीछे की साइड हो जैसे मैं हूँ तो वहाँ पे तो आपको प्राइवेट रूम 500, 550, 450, 600 का मिल जाएंगे, मतलब नॉट बैड. अगर शेयरिंग में आपको 400 से 500 का मिल जाएगा, कोई बड़ा मास्टर बेडरूम 400-450 का मिल जाएगा. सही है, सो विच इज अ नाइस थिंग. एंड आई गेस सिमिलर है मेरे हिसाब से, थोड़ा बैरी थोड़ा चीप है, इंश्योरेंस महंगा है, इंश्योरेंस यहाँ पे महंगा. लाइक अगर हम रूम्स की बात करें उधर 350-400 तक, लाइक अगर आपको शेयरिंग रूम लेना है वो मिल जाएगा, अगर आपको इंडिविजुअल लेना है 450 बहुत मुश्किल है मिलना, लाइक 500, 550, 600 इसके बीच बीच मिल जाएगा. और अगर हम कार की बात करें, कार इंश्योरेंस यहाँ पे थोड़ी है महंगी, 500 तक जाती है, वेयर एज की उधर बैरी में अगर आप फुल कवरेज लो 400 वही 400 तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप फुल कवरेज ही लो. अगर आपकी पुरानी कार है ना तो उसमें तो यही आ जाता है कि थर्ड पार्टी लेने ज्यादा ऑप्शन बेटर रहता है, क्योंकि फुल कवरेज में फिर फालतू पैसे कौन दे अगर 2000 की कार है तो, है ना, ये चीजें. सो दैट्स प्रीटी मच इट. अगर अगर भाई का चैनल चेकआउट करना है, बहुत ही अच्छा चैनल है. लाइक क्या बेसिकली चैनल का क्या है? या बेसिकली मैं मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट की वीडियो बनाता हूँ और थोड़े ट्रैवल ट्रैवल व्लॉग्स बना देता हूँ, आजकल मेरे को बहुत पसंद आ रहे हैं. तो बस भाई वही है. और बाकी थोड़ी अगर आपको जानकारी चाहिए, मतलब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट का सीन, थोड़ा बहुत मैं बना देता हूँ. बाकी मतलब मैं वैसे इंफॉर्मेटिव वे में नहीं, मतलब थोड़ा अलग टाइप का ब्लॉग टाइप का बनाता हूं, ठीक है. तो अगर उसको चेकआउट करना है तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उबर ईट्स का भी, उबर ईट्स का, ठीक है. तो ये होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में. और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो भाई को, हार्दिक_27, यू कैन फॉलो मी. सी यू गाइस. सो दिस इज ऑल, सी यू गाइस नेक्स्ट. पीस.